नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशु विश्वकर्मा और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिलाई कैसे सीखें। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूं बहुत ही प्यारा सा स्लीव डिज़ाइन। जी हां दोस्तों, ये स्लीव डिज़ाइन आप बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही प्यारा बना सकोगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने स्लीव की कटिंग कर रखी है, इस तरीके से मैंने इसकी जो लेंथ है वो है 20 इंच और जो चौड़ाई है इसकी ये है 10 इंच के लगभग। तो हमें इसमें डिज़ाइन बनाना है, हमें ना ही तो और दूसरे कपड़े का यूज करना है, हमें सिर्फ इसी बाजू में हमें ऐसे इसमें डिज़ाइन बनाना है। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से बनाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, लगभग एक इंच के करीब हम इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। सिलाई बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है, ये उल्टी साइड है कपड़े तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है, ये उल्टी साइड है। तो अब हमें क्या करना है, अब हम लगभग 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे हम इस तरीके से, और यहाँ पर भी हम 3 इंच पे ही निशान लगाएंगे इस तरीके से, और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। ये जो निशान है हमारा, इसकी बिल्कुल लाइन सीधी होनी चाहिए, ये तिरछा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा डिज़ाइन अच्छा नहीं बनेगा। इस तरीके से हम बिल्कुल इसकी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है, हम देख लेंगे नाप पे 3 इंच 3 इंच। तो यहाँ पे हमारी लाइन सीधी ड्रॉ हो चुकी है। तो अब हमें क्या करना है, ये मेरे पास इलास्टिक है, ये मैंने बाजू की गोलाई के अकॉर्डिंग इलास्टिक काट ली है, और इसको हम यहाँ से यहाँ पे लगाएंगे। सबसे पहले हम जो ये कपड़े की चौड़ाई है इसको पहले इलास्टिक के इस तरीके से खींच के देख लेंगे, ये हमारी इलास्टिक सही रहेगी या कम ज़्यादा है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे इतने पे साइड में हमें थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ देना है, तो हमारी इलास्टिक ये सही रहेगी। तो हमें क्या करना है, साइड में से हमें आधा इंच या आधा इंच से थोड़ा ज़्यादा कपड़ा छोड़ देना है इस तरीके से, और यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे हम इलास्टिक के एक किनारे से। एक साइड पे सिलाई लगाएंगे सबसे पहले, और जहाँ पे हमने निशान लगाया था उस निशान के ऊपर ही हमें इलास्टिक को रखना है, और इसको पूरा खींच लेंगे, इलास्टिक को पूरा खींचना है इस तरीके से। कपड़े को नहीं खींचना है, केवल इलास्टिक को खींचना है। इस तरीके से ये हमारी सिलाई लग चुकी है एक साइड की, इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे, इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली है। अब हम दूसरी साइड भी हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, यहाँ पे रखेंगे हम
और जैसे हमने खींच के पहले सिलाई लगाई थी इसी तरीके से हम ये वाली सिलाई भी हम इसी तरीके से खींच के लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है, आप देखोगे, आप देखना कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है और ये कितना अच्छा डिज़ाइन लग रहा है। ये हमारा नीचे का कंप्लीट हो चुका है। यहाँ मैंने 3 इंच लिया है, अगर आपको थोड़ा नीचे करनी है तो आप 2.5 इंच भी ले सकते हो, वो आपको कैसा अच्छा लगता है, कम पे अच्छा लगता है या ज़्यादा पे अच्छा लगता है, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर लोगे। तो अब हमें ऊपर की साइड भी हमें क्या करना है, ऊपर की साइड भी हमें यहाँ पे सिलाई लगा के और इसमें धागा खींचना है, जिससे कि इसमें थोड़ी थोड़ी प्लेट्स ऊपर की साइड भी हो जाए। इस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे सिलाई बढ़ा लेंगे। हाँ, एक मिनट रुक जाओ। तो यहाँ पे आर्म होल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से ये धागा खींचा और केवल हमें यहाँ पे पूरे पे नहीं डालनी है प्लेट्स, केवल बीच में यहाँ पे ऊपर कंधे के ऊपर आ जाएंगी ये प्लेट्स हमारी, इस तरीके से। ये जो प्लेट्स हैं हमारी, हमें जितनी भी प्लेट्स होगी हमारे आर्म होल के अकॉर्डिंग, उसको हम इस तरीके से हम ऐसे बीच में कर लेंगे। अब हम इसको साइड में सिलाई लगा लेंगे और यहाँ से सिलना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से तो यहाँ पे मैंने सीधी सिलाई लगा ली है, अब मैं इसको सीधा कर लूँगी। तो इस तरीके से मैंने स्लीव सीधी कर ली है और ये प्लेट्स आर्म होल के अकॉर्डिंग हो जाएंगी और इसको यहाँ साइड में से थोड़ा सा कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। तो ये हमारी स्लीव रेडी हो चुकी है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।